हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 1408th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात द्रोणाचार्य के साथ। द्रोणाचार्य वो जो हमें राह दिखाए, द्रोणाचार्य वो जो हमें जिंदगी के मूल मंत्र सिखाए, द्रोणाचार्य वो जिनसे मिलने के बाद, कुछ चीजें उनसे सीखने के बाद, जानने के बाद आप जिंदगी में ऊंचाइयां पाए। द्रोणाचार्य वो जिनको हम वैसे तो गुरु कहते हैं, लेकिन हम सिर्फ टीचर्स डे को उन्हें धन्यवाद कहते हैं, जबकि हर दिन टीचर्स डे है। नमस्कार, राज की बात के द्रोणाचार्य एपिसोड में आपका स्वागत, धन्यवाद करता हूं। मैं पारेख ब्रदर्स जूलर्स का, पारेख ब्रदर्स जूलर्स प्रेजेंट्स राज की बात द्रोणाचार्य के साथ इन एसोसिएशन विद क्वालिटी टाइल्स, क्वालिटी सेल्स, एंड ऑल्सो अ बिग थैंक यू टू ट्रिनिटी मोटर्स मेकिंग एनवायरमेंट ग्रीन विद द बेस्ट ऑफ ईवीज। मेरी आज की जो मेहमान है वो पिछले 8 सालों से अपने वक्त को, अपने जीवन को समर्पित करती है SIP अबाकस के लिए। एक ट्रिपल रोल निभा रही है, एक होममेकर का, एक कोर्स इंस्ट्रक्टर का, और साथ ही साथ एक मास्टर इंस्ट्रक्टर का। क्या है उनका नाम, चलिए स्वागत करते हैं हमारी आज की मेहमान मिसेस दीपा। मैडम, हेलो सर, गुड इवनिंग। मैम आपका पूरा नाम बताएं। मिसेस दीपा आलोक नबीरा। नबीरा, दीपक नबीरा मैम, आपका स्वागत राज की बात में। कैसी हैं आप, सबसे पहले ये बताएं। ऑल गुड सर। मैम ये 8 साल जो गुजरे, ये शुरुआत में तो मैम दो रोल होंगे, आप होममेकर तो थी, लेकिन साथ ही साथ आप एक कोर्स इंस्ट्रक्टर बनी, उसके बाद वक्त के साथ आप एक मास्टर इंस्ट्रक्टर भी बनी। तो मैम पहले ये जो दो रोल्स हैं इसके ऊपर बात करें, कैसे हुई शुरुआत, कैसे जुड़ी आप SIP अबाकस के साथ। SIP अबाकस में एक्चुअली जनरली हम हमारे बच्चों को देख के लाइक सिखाते हैं, बट SIP ऐसा था जहाँ मेरे बच्चे ने पहले इनरोल किया, मेरे बड़े बेटे ने, और उसके बाद फिर उसको इंस्पायर करते, उसका इंस्पिरेशन लेते हुए आई ज्वाइन दिस SIP। तो श्रीचंद सर बालचंदानी को इसके लिए मैं थैंक यू कहना चाहूंगी कि मैं एज अ पेरेंट सेंटर विजिट करती थी, देन ही अप्रोच मी कि विल यू लाइक टू बी अ कोर्स इंस्ट्रक्टर। थोड़ा हेजिटेट कर रही थी पहले, क्योंकि शादी के 15 ईयर्स बाद आई वॉज प्लानिंग कि कुछ करना है करके जी। तो इनिशियली थोड़ा डिफिकल्ट था, बट सर गिव मी दैट कॉन्फिडेंस। और हमारे यहाँ जो हमारे सीनियर मास्टर ट्रेनर्स थे, मिसेस विदिता चोरडिया मैम, वो ही मेरे बेटे की कोर्स इंस्ट्रक्टर भी थी, तो शी ऑल्सो गाइडेड मी कि यस यू कैन डू दिस करके। तो उनका वो कॉन्फिडेंस मुझे आज यहाँ तक लेकर आया। मैम बच्चों को पढ़ाना आई एम श्योर एक डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन मैम टीचर्स को इंस्ट्रक्ट करना कितना डिफिकल्ट है, आसान किसको पढ़ाना मैम, बच्चों को कि टीचर्स को? फ्रैंकली स्पीकिंग आई लाइक टू टीच चिल्ड्रेन, बेसिकली मुझे उनके साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है, क्योंकि उनका जो ब्रेन है ना अभी वो डेवलपिंग स्टेज में रहता है जी, तो वो हमारे इंस्ट्रक्शंस को बहुत जल्दी फॉलो करते हैं। और जो हमारे पास अभी फीमेल्स आती है वो मेरे जैसी ही है, जो बहुत सालों तक घर में रहने के बाद अब उनको बाहर निकली है, ऐसा नहीं है, कुछ ऐसी भी आती है जो ऑलरेडी वर्किंग मोड में है जी, बट इनके जो ब्रेन होते हैं ये डेवलप होते हैं जी, तो इनके ब्रेन में हम कोई भी इंस्ट्रक्शंस फिट करना हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग होता है। तो हमको उनके मूड स्विंग्स, हमको उनके लाइक जो भी घर की प्रॉब्लम्स है उन सबको देखते हुए हमको उनको लाइक ट्रेनिंग देनी होती है। तो चैलेंज तो दोनों में ही रहता है, बट पर्सनली आई लाइक टू टेक बैचेस फॉर चिल्ड्रन। मैम अभी एक सवाल मन में जो है वो ये है कि मैम स्कूल्स में मैथमेटिक्स को लेकर हमेशा से एक मैथमेटिक टीचर पे एक दबाव रहता है, प्रिंसिपल जो होती हैं या HODs जो होते हैं उनको हमेशा कहते हैं कि मैथ्स इम्प्रूव होना चाहिए बच्चों का, लेकिन मैम जो जूनियर ऑफ द ईयर के इंटरव्यूज हुए उसमें मैं जब बहुत सारे बच्चों से मिला तो उन्होंने अपना श्रेय जो है वो SIP अबाकस को दिया कि दैट हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हेल्पिंग देम लर्न बेटर मैथ्स। सो मैम ये बेटर मैथ्स वाला जो पूरा का पूरा एक क्वेश्चन है, ये SIP अबाकस में किस तरह से होता है? बेसिकली पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि जो ये हमारा SIP अबाकस का कोर्स है ये सिर्फ आपको मैथ्स में हेल्प नहीं करता है, इट्स लाइक योर फाइन मोटर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये आपके होल ब्रेन को डेवलप करता है। तो कई पेरेंट्स इसीलिए लेकर आते हैं बच्चों को हमारे पास कि इसका मैथ्स बहुत वीक है, तो नो डाउट डेफिनेटली ये अबाकस ऐसी चीज है कि जो आपका कैलकुलेटिंग डिवाइस है तो ये आपको हेल्प करेगा फॉर बेटर कैलकुलेशंस विद स्पीड एंड एक्यूरेसी,
लेकिन साथ साथ में हम बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन, फोकस और उनके जो भी फाइन मोटर स्किल्स है, वो जैसे कि लाइक उनका ऑडिटरी पार्ट है, उनका लिसनिंग स्किल्स है, ये सारी चीजों पे भी हम काम करते हैं. तो बेसिकली हम यहाँ बच्चों का होल ब्रेन डेवलप कर रहे हैं जो उनको मैथ्स के अलावा बाकी सब्जेक्ट्स में भी बहुत हेल्प करता है. मैम जो तैयार ब्रेन्स है उनके ऊपर मैं वापस आता हूँ, मास्टर यू नो आपका इंस्ट्रक्टर वाला रोल. मैम ये जो महिलाएं हैं जो यू नो होम मेकर्स रही हैं, आप खुद एक होम मेकर रही हैं, मैम ये 15 साल के बाद घर से बाहर निकलना और एक प्रोफेशन को चुनना जिसमें ट्रेनिंग इन्वॉल्व है, टीचिंग इन्वॉल्व है, और मैम पहले की टीचर्स और ट्रेनर्स जो हुआ करती थी वो बड़ी ट्रेडिशनल टीचर्स हुआ करती थी, जो जो किताबी बातें थी बस वही पढ़ाती थी. आप भी टीचर स्कूल कॉलेज गई हैं तो आपको पता है ये चीज. लेकिन मैम अब टीचर्स को बच्चों के मूड स्विंग, बच्चों के मूड स्विंग्स के ऊपर में भी विशेष ध्यान देना पड़ेगा. एंड दिस कोर्स इज एवरीथिंग अबाउट ब्रेन्स. तो मैम क्या बदलाव आप देख रही हैं बच्चों के फोकस और बच्चों के अटेंशन में जो शायद पहले नहीं था और अब है, या पहले क्या था अच्छा और अब नहीं दिखता? आज अगर मैं मेरे दोनों बेटों को कंपेयर करती हूँ तो उन लोगों में सिर्फ 6 ईयर्स का एज डिफरेंस है. बट अगर मैं मेरे बड़े बेटे का स्किल्स देखती हूँ, मैं मेरे छोटे बेटे का स्किल्स देखती हूँ, तो लाइक इन बच्चों का सिटिंग कैपेसिटी बहुत ही कम है. तो अगर सिटिंग कैपेसिटी कम है तो उनका कॉन्सेंट्रेशन स्पैन भी डेफिनेटली कम है. डेफिनेटली राइट. तो अब अगर हम देखते हैं इन बच्चों का 10 से 15 मिनट से ज्यादा हम इन लोगों को कोई भी चीज नहीं करवा सकते. तो हमारा जो अबैकस प्रोग्राम है, डिजाइन ही ऐसा किया हुआ रहता है कि लाइक इसमें ब्रेन जिम्स रहते हैं. जैसे हम हमारी बॉडी को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, वैसे हम हमारे ब्रेन के एक्टिव रखने के लिए भी हम उनको एक्सरसाइजेस करवाते हैं. हम हर क्लास में कंपल्सरीली गेम्स खिलवाते हैं. लाइक कोई अगर फेस्टिवल आ रहा है तो वी डू द एक्टिविटी रिगार्डिंग टू दैट. हम बच्चों के डिक्टेशंस लेते हैं जिससे कि वो उनके लिए लाइक एक मोटिवेशन रहता है स्टिकर्स एंड इंसेंटिव्स मिलने का. तो ये हमारा जो ओवरऑल प्रोग्राम है ना, ये ऐसा मोनोटोनस प्रोग्राम नहीं होता है. ये सारी एक्टिविटीज की वजह से फन लविंग प्रोग्राम बन जाता है और इसीलिए बच्चे इसको एंजॉय करते हैं. मैम जब मैथमेटिक्स एक मैंडेटरी सब्जेक्ट है फ्रॉम 1st to 10th standard, आप एबैकस को क्या इस तरह से मानती हैं क्योंकि आप करीबी से समझती हैं सब्जेक्ट के आधार को, और ये किस तरह से एक अच्छे मैथमेटिशियन को बिल्ड करता है आपके अंदर, बच्चे के अंदर में, उसको आप बारीकी से समझती हैं. तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इसे एक मैंडेटरी इंट्रोडक्शन होना चाहिए इन द स्कूल करिकुलम? मैंडेटरी होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम है ना, इतने जल्दी चेंजेस नहीं लाती है. जैसे कि अभी हम देख रहे हैं हमारा 10th board कब से चल रहा है कि लाइक वो चेंज होने जा रहा है, बट इट्स स्टिल इन वर्किंग मोड ओनली. तो मैंडेटरी तो नहीं बोलूंगी, बट एज अ लाइक अवेयर पेरेंट ये हमारा कॉल होना चाहिए कि हम हमारे बच्चों को एक एक्स्ट्रा एज टू बी अ बेटर लाइक स्टूडेंट हम क्या दे सकते हैं करके. तो हम जैसे देखते हैं पेरेंट्स सिंगिंग, डांसिंग एंड ऑल एक्टिविटीज के लिए तो इनरोल करते हैं, लेकिन पेरेंट्स को कहीं ना कहीं लगता है कि पता नहीं यार अबैकस कितना हेल्पफुल रहेगा. बट अगर आप अपने बच्चे को सही एज में इनरोल करते हैं तो डेफिनेटली दिस प्रोग्राम इज गोइंग टू हेल्प. मैम एक मास्टर इंस्ट्रक्टर जब आप बनी और जब आपको ऐसे लेडीज या ऐसे लोग दिए गए जिनको इंस्ट्रक्टर बनाना था आपको, क्या ऐसे भी लोग मिले जिन्हें पढ़ाने के बाद आपने अपना सर पकड़ लिया आपको? एक्चुअली देर इज ऑलवेज लर्निंग बोथ वे. मैंने ऐसा नहीं कि हमेशा मैं ही उनको सिखाती हूँ, कई चीजें रहती है जो मैं उनसे भी सीखती हूँ. वो भी आपको कोई ऐसी चीज बोलते हो जिससे आप भी भूल जाती हो, ऐसा कुछ हुआ है? हाँ जी यस. तो ऐसा नहीं है कि हर कोई हर स्किल में ही परफेक्ट रहेगा करके, है ना. हर एक का अपना एक अलग लेवल का पोटेंशियल होता है जी. तो अगर सपोज मैं 4 लोगों का बैच ले रही हूँ तो मैं उन 4 लोगों को सेम लेवल पे नहीं लाइक एनालाइज कर सकती हूँ. तो हर पर्सन टू पर्सन, इवन हमारे ही दोनों बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते, तो हाउ कैन आई लाइक कंसिडर कि वो दोनों वो लाइक 4 लोग सेम रहेंगे करके. तो यस, कभी कभी बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग ट्रेनिंग्स भी होती है. बेसिकली मतलब उनको पढ़ाने से ज्यादा उनका जो ब्रेन वॉश करना होता है ना, उनको हमको जैसे लाइक इतने साल घर में रहने की वजह से उनकी जो स्लिपिंग हैबिट्स रहती है दोपहर में, एंड उनकी जो दिमाग में घंटियां बजनी शुरू होती, क्योंकि मेरे साथ भी ये सब होता था जब मैं ट्रेनिंग लेती थी जी.
तो जैसे ही बच्चे स्कूल से घर आने वाले रहते हैं तो आपके दिमाग में घंटियां बजनी शुरू हो जाती है कि वो कैसा सब कुछ बराबर हो रहा होगा या नहीं। तो उनको वापस उस माहौल से हमारे ट्रेनिंग सेंटर में लाने के लिए मेहनत बहुत लगती थी। तो डेफिनेटली स्ट्रगल रहता है और एवरी ट्रेनिंग इज डिफरेंट। तो मैम आप मन ही मन में बोल सकते हो कि मेरा ये ट्रेनिंग ऐसा हुआ है तो मेरा अगला ट्रेनिंग भी ऐसे रहेगा। तो मन ही मन कभी किसी स्टूडेंट जो टीचर बन रही है, जो यू नो कोर्स इंस्ट्रक्टर बनी है, उससे पढ़ाने के बाद आपके मन में कभी ऐसा आया कि अगर तुम कोर्स इंस्ट्रक्टर नहीं रहती तो अभी तक पिट गई रहती? नहीं, ऐसा तो नहीं आया। बट बेसिकली अगर आपका पोटेंशियल नहीं भी है बट अगर आपकी मेहनत करने की इच्छा है ना जी, तो हम लोग हमेशा उन सीआईएस के लिए पॉजिटिव रहते हैं। बट कई बार दिखता है कि सीआईएस में पोटेंशियल है बट उनका जो लिथार्जिक बिहेवियर है जिसकी वजह से वो ट्रेनिंग हमारे लिए बहुत ही ज्यादा टीडियस हो जाती है। तो मैम आई थिंक टू बी अ गुड इंस्ट्रक्टर और टीचर इज ऑल अबाउट द एटीट्यूड। एग्जैक्टली, क्योंकि अबैकस एक ऐसा प्रोग्राम है कि जिसके लिए एज सच आपका क्वालिफिकेशन, अगर आप कोई भी जॉब के लिए जाएंगे तो फर्स्ट आपका डिग्री पूछा जाता है जी। लेकिन यहाँ पर हम अबैकस में देखते हैं कि एट द एज ऑफ 40 या 40 प्लस के बाद मोस्टली फीमेल्स आती है ना, जब उनको लगता है कि अब उनके बच्चे बड़े हो गए एंड नाउ दे वॉन्ट समथिंग टू उनको अपने आप को बेटर करने के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी चाहिए रहती है। तो हम जनरली ऐसे फीमेल्स को यहाँ हैंडल करते हैं। तो बेसिकली इससे उनके एटीट्यूड की बात रहती है कि उसे वो लोग इस कोर्स को कैसा लेते हैं। मैम आपकी लाइफ में क्या बदलाव आया है पास्ट 8 ईयर्स? व्हाट हैज चेंज्ड इन योर लाइफ? इनिशियली जब मैं कोर्स इंस्ट्रक्टर बनी थी तो बच्चों को बड़ा अच्छा लगता था कि मेरी मम्मा मेरे वो जिस सेंटर पे पढ़ते थे वहां मेरी मम्मा भी एज ए टीचर आती है। 2015 में मैंने ज्वाइन किया था। फिर 2017 में जब मैं मास्टर ट्रेनर बनी तो दैट टाइम देवर माई मॉम टीचर्स टीचर्स वो टीचर्स को ट्रेन करती है तो वो भी उनके लिए बहुत अच्छा फीलिंग था। उसके बाद वीकेंड सैटरडे संडे ये क्लासेस होती है तो अब वीकेंड के कुछ भी प्लान्स होते हैं तो पहले मेरी अवेलेबिलिटी देखी जाती है, उसके बाद वो प्लान डिसाइड होते हैं। तो और बेसिकली एज अ ह्यूमन बींग एज अ पर्सन मैं एक्चुअली एमएससी फिजिक्स ग्रेजुएट हूँ बट शादी के 15 ईयर्स बाद जब एक कोर्स ज्वाइन किया तो कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स की जो इच्छा थी कि हमने अपने से इतना दूर रख के तुमको पढ़ाया है एंड यू आर डूइंग नथिंग, यू आर जस्ट अ होम मेकर, तो आज वो लोग एक बहुत सेटिस्फाइड पेरेंट्स है कि यस यू आर डूइंग समथिंग एटलीस्ट फॉर योर ओन आइडेंटिटी। मैम अब आगे क्या और क्या करना चाहती है SIPA बैकर्स में? एक्चुअली फ्रेंकली स्पीकिंग आई एम नॉट वेरी एम्बिशियस पर्सन, इसीलिए शायद मैं इतने सालों बाद आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन ऑल्सो मैं इतने सालों तक कुछ अपना नहीं कर पाई। पर अब जब अपने कि मेरा जो है बस मैं उसी में बेस्ट कर सकूं। पर अब जब अपने कमाई में अपने मेहनत की कमाई में पैसे आते हैं उसे कैसे उड़ाती हैं आप? कितनी शॉपिंग करती हैं? नहीं, फ्रेंकली स्पीकिंग मैं मेरा अकाउंट भी मैनेज नहीं करती हूँ, वो भी मेरे हस्बैंड देखते हैं एंड आई वाज नेवर मनी ओरिएंटेड। मुझे हमेशा से लगता था कि मुझे मेरे ग्रूमिंग के लिए ये चीज करनी है। तो एंड व्हाट योर हस्बैंड से अबाउट यू बीइंग यू नो सच अ ग्रेट कोर्स इंस्ट्रक्टर? मास्टरनी जी, वो मुझे मास्टरनी जी बुलाते हैं तो उनका यही है कि बाबा तू तो अच्छो अच्छो को ट्रेन करती तो मैं क्या चीज हूँ करके। मैम किस किस्म की टीचर हैं आप, किस किस्म की इंस्ट्रक्टर हैं आप, बच्चे किस तरीके से या याद रखें आपको? मुझे जो जनरली फीडबैक मिलता है कि मैम आप बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट स्पोकन हैं, तो कभी इसका मुझे नुकसान भी होता है क्योंकि मेरे बच्चे फिर मेरे से बहुत ही लिबरल हो जाते हैं कि हाँ ठीक है ना मैम कंसिडर कर लेंगे करके। तो जनरली बट मैं बहुत ज्यादा हार्श वर्ड्स में डांट कर बच्चों को नहीं बोल पाती, तो कहीं ना कहीं ये मेरा वीक पॉइंट भी है, थोड़ा स्ट्रिक्ट टीचर्स को होना ही चाहिए। मैम आपकी जो जर्नी है ये वाकई में काबिले तारीफ है। मुझे ऐसा लगता है कि ये उन होममेकर्स के लिए एक उम्मीद की किरण है जहां पर वो ये सोचते कई वर्षों तक बैठ जाती हैं कि अब आगे क्या, क्योंकि उनकी रोज जिंदगी जो है वो सिर्फ अपने परिवार तक सीमित रह जाती है और समर्पित रह जाती है। चार दीवारी सिर्फ घर में नहीं, सिर्फ किसी कमरे में नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक मानसिकता की जो चार दीवारियां हैं जिस पर एक औरत बंद होकर रह जाती है वो कई बार आपकी जैसी महिलाएं आकर उसमें एक खिड़की या दरवाजा बना देती हैं जिससे एक ओपनिंग हो जाती है कि आज
आप भले ही उन चार दीवारियों में कैद हैं, लेकिन आपके पास एक उम्मीद जरूर है कि एक खिड़की बन सकती है, एक दरवाजा बन सकता है, जिसे आप थोड़ा सा वक्त खुद के अस्तित्व को बनाने के लिए, खुद के होने की वजह को बनाने के लिए कर सकते हैं। आप एक मुझे ऐसा लगता है कि एक श्रद्धा का स्तोत्र है, एक तरीके से आप बहुत सारी महिलाओं को मोटिवेट करने का काम करती है। आप ऐसे ही अच्छा काम करती रहें और आगे बढ़ती रहें। सैटरडे संडे प्लान्स बनाए तो थोड़ा सोच के बनाए, और मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक जो समर्पण है ना मैम बच्चों के लिए और बच्चों की उम्मीदों पे खरा उतरने का, ये अपने आप में सराहनीय है। आपने अपना वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू मैम। दीपा नबीरा मैम से मुलाकात हुई, बात हुई इन दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ राज की बात। एक बड़ी अच्छी बात इस पूरे इंटरव्यू के दौरान में पता चली, महसूस भी हुई कि होममेकर्स वाकई में जब एक लड़की विवाह करती है तो अपने बहुत सारे सपनों को बाजू रखकर, अपने परिवार की बात मानकर या अपने खुद के दिल की बात मानकर विवाह करती है। उसके बाद उसकी फैमिली की प्लानिंग होना शुरू हो जाती है। वह जो घर का पुरुष है वो तो घर के बाहर चले जाता है काम करने के लिए, लेकिन और अपना ध्यान कई सारी चीजों में भटका सकता है, लेकिन एक महिला जो है उससे जो अपेक्षा की जाती है वो यही है कि वो घर पर रहे, घर को संवारे, घर को निखारे और इंतजार करे कि कब घर के लोग वापस आए और उनकी वो सेवा करें। कभी कभार मन तो करता है कि हम समाज की इन मर्यादाओं को तोड़ें और उन महिलाओं से कहें कि आप इन दरवाजों को तोड़कर बाहर निकलें, लेकिन भारतीय समाज जो है या भारतीय संस्कृति जो है वो बड़ी बैलेंस संस्कृति है, ऐसे ही नहीं बनी है ये, और इसीलिए हजारों वर्षों से पीपल इन द वेस्ट रिस्पेक्ट द इंडियन कल्चर फॉर वुमेन ऑफकोर्स। एंड आई थिंक हमारा समाज जो है उसमें महिला एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। वो कहती है कि महिला जब पढ़ती है तो वो पूरे घर को पढ़ाती है, लेकिन जब एक महिला काम करती है तो भी वो घर को दो बातें सिखाती है। एक ये कि महिलाओं का भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है हमारे समाज में, जहां पर महिला काम करके अपनी एक अपने अपनी योग्यता बता सकती है, और दूसरा ये कि वो दुनिया को ये भी समझा सकती है कि काम किस तरीके से किया जाता है और कमाया किस तरीके से जाता है। देर आर वेज टू अर्न मनी बट द गुड वेज आर प्रोबेबली वेरी फ्यू। चॉइस अपना अपना है। एक बात जो इस पूरे इंटरव्यू में मुझे हमेशा याद रहेगी वो ये है कि जब विवाह हुआ दीपा जी का और कई वर्षों तक जब वो कुछ नहीं कर रही थी, तो डेफिनेटली उनके माता पिता की उम्मीद तो यही होगी कि हमने अपनी बेटी को मास्टर्स करवाया और अपेक्षा जो रखी वो यही रखी कि वो कुछ उस क्षेत्र में करेगी, लेकिन उसने अपने आप को दरवाजे में चार दीवारों में बंद कर लिया। लेकिन अब खिड़की खोल ली या दरवाजा बना लिया और अपने होने का सिर्फ खुद को ही नहीं पर लोगों को भी बता दिया कि आई एम देयर एंड आई वॉज ऑलवेज देयर। बिली जोएल का एक गाना है, पुराना गाना है लेकिन बड़ा खूबसूरत गाना है, और वो कहता है कि वी डिडंट स्टार्ट द फायर, इट वाज ऑलवेज बर्निंग सिंस द वर्ल्ड्स बीन टर्निंग। तो चॉइस आपका है एंड यू कैन ऑलवेज टेक अ चॉइस विच कैन नॉट जस्ट इफेक्ट योर लाइफ बट ऑल्सो टेक पीपल्स लाइफ टू द नेक्स्ट लेवल। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताया है। और आप अगर आपके परिवार में एक छोटी सी बिटिया है जो पढ़ाई में बड़ी अच्छी है और पढ़ाई करने के बाद बड़ी बड़ी डिग्री लेती है पर आप उसका विवाह कर देते हैं और वो अपने विवाह करने के बाद अपने परिवार के साथ बड़ी खुश है, लेकिन आप अपनी बेटी के लिए ये सोचते हैं कि हमने इतना पढ़ाया लिखाया पर अपनी बेटी ने करियर में कुछ नहीं किया, तो आप विश्वास रखें दरवाजा और खिड़की बन रहा है, क्योंकि दीपा नबीरा जैसी महिलाएं हैं। जिंदा रहें। जय हिंद।